पूर्वोत्तर रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर मंगलवार को उज्जवल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आतिफ क्रिकेट एकेडमी और पूर्वोत्तर रेलवे क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेलवे की टीम ने 35 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए। रेलवे की तरफ से अविनाश सिंह ने 56 और निशांत राय ने 53 रनों की पारी खेली। 193 रनों का पीछा करने उतरी आतिफ क्रिकेट एकेडमी की पूरी टीम 24 ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। पूर्वोत्तर रेलवे ने 87 रनों से फाइनल मुकाबले को जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। रेलवे की तरफ से राकेश कन्नौजिया ने 5 विकेट लिए। कन्नौजिया को टूर्नामेंट के बेस्ट गेंदबाजी का अवार्ड भी मिला। आतिफ क्रिकेट एकेडमी के कप्तान निखिल राव को टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज का पुरस्कार मिला। पूर्वोत्तर रेलवे के कप्तान अमित सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर खड्डा के पूर्व विधायक विजय दुबे, नरसा के जनरल सेक्रेटरी पी के अग्रवाल, टूर्नामेंट के आयोजक श्री प्रकाश सिंह, पूर्व रणजी खिलाड़ी अखलाक अहमद, वरिष्ठ क्रिकेटर हरी मोहन सिंह, समाज सेवी राजेश सिंह, जीसीए के सचिव गजेंद्र तिवारी, संयुक्त सचिव शफीक अहमद सिद्दीकी सहित कई पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर एवं आयोजक सचिव प्रेम शाही ने कहा। ओवर की समाप्ति पर आतिफ एकेडमी का कुल स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं माननीय श्री विजय दुबे, श्री हरिमोहन सिंह जो की मौजूद है, मैं अनुरोध करूंगा श्री प्रेम शाही जो की पूर्व क्रिकेटर हैं और उनके साथ खेले हैं, श्री शिवजीत सिंह जी जो हमारे बीच आए हैं, हमारे बीच विजय दुबे जी जो पूर्व विधायक भी हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं एवं आपके इस क्रिकेट के खेल से ये दो भाई, एक इनके बड़े भाई जयकिशन दुबे और विजय दुबे, ये लोग जो भी इंटर कॉलेज से हम लोग इनको जानते हैं, अखलाक अहमद जी हमारे बीच में हैं, इस गोरखपुर की धरती इन्हें पूर्वांचल के और काफी उत्तर प्रदेश में श्री गजेंद्रनाथ तिवारी जो क्रिकेट के क्षेत्र से के पदाधिकारी भी हैं और कोई ऐसा शख्सियत नहीं होगा जो उन्हें न जानता हो, उनका भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। इसके साथ मैं आप सारे जमाल भाई पूर्व क्रिकेटर बहुत लोगों को, श्री प्रेम शाही जी जिनके प्रयास से हम लोग इसमें इस कार्यक्रम को सफल करने में सफल हो पाए, आप सभी लोगों का हृदय से मैं धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस काम को भी करते हैं तो इसी तत्व के साथ करते हैं। गोरखपुर में कोई किताब जहाँ भी आपको ना मिले, अंत में एक जगह जहाँ डेफिनेट मिल जाएगी वो डिस्काउंट सेंटर है। सस्ते में आप इन किताब बेच भी सकते हैं और सस्ते में आप इनको किताब दे भी सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए शायद ये भगवान की तरह है और वास्तव में डिस्काउंट देकर जो पूरे पूर्वांचल को पुस्तकें पढ़ाने का काम करते हैं, मैं इसे प्रकार से मनेंगे और उनके परिवार से सभी संबद्ध सदस्य आज के इस फाइनल क्रिकेट समारोह और पुरस्कार वितरण में उपस्थित सभी सम्मानित खिलाड़ी बन और उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बन। मित्रों, मैं आभारी हूँ माननीय श्री अनिल जी का जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का निर्देश दिया। ये हमारी पिच नहीं है इसलिए मैं इस पर बैटिंग नहीं करूँगा। आपने एक मंच दिया है, एक अवसर दिया है और मुझे विश्वास है कि जिस धैर्य के साथ आप अपना जीवन जीते हैं, आपके काम में एक सार्थक होता है, इस नाते अब ये काम रुकने वाला नहीं है आपका। शुरुआती चरण में आपने बड़े ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन आयोजित किया होगा, अब सौरभ जी से और आगे बढ़ाएंगे और उज्ज्वल जी जब तक बड़े होंगे तो आखिर भारतीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट बन सकेगा
मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और मैं बिना इनसे पूछे मुझे उससे आपको गारंटी कर सकता हूँ। मैं जो टीम जीती है उसे भी बधाई देता हूँ, जो टीम नहीं जीत पाई है उसे भी बधाई देता हूँ और विश्वास प्रकट करता हूँ कि माननीय श्री प्रकाश सिंह नीम के इस खेल प्रेम का लाभ लेकर के। क्रिकेट तो वैसे ही बहुत लोकप्रिय है लेकिन किसी चीज की सीमा नहीं होती। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे जितनी गहराई में जाया जाएगा उतना ही उसका आनंद आएगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत से और जो नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले। अभी मैं यहाँ आया तो लक्ष्य अकेडमी के बारे में माननीय अग्रवाल साहब ने बताया। अब आप अनिल जी आए हैं इस क्षेत्र में तो ये सो आप मैचेस तो होते ही रहेंगे। अब आपको इसका लक्ष्य बताना चाहिए कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं अन्य भी विभिन्न विधाओं में खेल के जो बच्चे हैं जिन्हें प्रशिक्षण नहीं मिलता, कोचेज नहीं मिलते, मंच नहीं मिलता, संसाधन नहीं मिलते। आप साधन संपन्न है, अपने आप में साधन संपन्न है और जो स्वयं साधन संपन्न होता उसके पास समाज के अन्य साधन भी जुट जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप उन सबको भी प्रोत्साहित करने के लिए आगे प्रयास करेंगे। इसी के साथ एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ट्रॉफी प्रदान करते हुए पूरी फोटो चल रहा है विजेता टीम के साथ इन रेलवे की टीम जिस सब लोग आ जाएंगे फिर उज्ज्वल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट दिनांक 16/12/18 से शुरू हुआ था और आज 25 तारीख को आज समापन हुआ है। इसमें टोटल 12 टीम भाग लिया था जिसमें सेमीफाइनल में 4 टीम निकला और उसमें से फिर एनी रेलवे और आतिफ एकेडमी के बीच ये फाइनल टूर्नामेंट हुआ है जिसमें एनी रेलवे विजेता रही, आतिफ एकेडमी उपविजेता रही और जिसमें राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक शहर के वो चीफ गेस्ट थे और साथ में हमारे विजय दुबे पूर्व विधायक खड्डा के वो भी उपस्थित में, साथ में हमारे पीके अग्रवाल नरसा के जनरल सेक्रेटरी, हमारे पूर्व क्रिकेटर शहर के सारे उपस्थित थे। ये देख के बहुत अच्छा लगा, आज बहुत ही खुशी हो रही है कि ये सारे लोग आज हमारे टूर्नामेंट में पधारे। रोमांच था वो किस तरह था इस टूर्नामेंट में? रोमांच शुरुआत के दौर में चला। ये एनी रेलवे क्रिकेट टीम 35 ओवर्स में 193 रन बनाई जिसके अमित सिंह और इसमें काफ़ी अच्छे योगदान दिया जिसमें और आतिफ एकेडमी के बच्चे भी बड़े अच्छे यंग बच्चे हैं जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, ये काफ़ी अच्छे इसमें संघर्ष किए और हमारे रेलवे के सीनियर्स खिलाड़ी हैं जो इसमें प्रेजेंट में रेलवे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस थे। दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रोमांच थोड़ी देर के लिए शुरुआत के दौर में था लेकिन अंत में थोड़ा विकेट गिर गया जल्दी, इस वजह से मैच खैर बहुत अच्छा चला और इसके लिए सारे लोगों के बधाई। आप लोगों का भी काफ़ी शुभकामना, बधाई भाई, क्योंकि आप लोगों का सहयोग भी काफ़ी हम लोग के साथ है।